बता दें कि बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। 18 जुलाई को एनडीए का महामंथन चिराग के साथ जीतन राम मांझी को मिला न्योता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बता दें कि सबसे पहली खबर सामने आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। 18 जुलाई को एनडीए की महामंथन होने वाली है, जिसमें चिराग पासवान के साथ साथ जीतन राम मांझी को भी न्योता मिला हुआ है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पत्र पहले चिराग पासवान को, उसके बाद हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी को भी आया हुआ है। बता दें कि जीतन राम मांझी को पीएम मोदी का बुलावा, जेपी नड्डा का आया खत, गया से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं संतोष मांझी। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है, सभी दलों में बैठकों और मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। 18 जुलाई को एनडीए में गठबंधन को लेकर होने वाली बैठक, जिसमें सभी पुराने साथियों को शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण मिला हुआ है। बता दें कि उनके साथ साथ जमुई के सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी उस बैठक में शामिल होने वाले हैं। उनके साथ साथ सम्राट चौधरी, सुशील कुमार मोदी सहित बीजेपी के तमाम एनडीए के तमाम नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होने वाले हैं। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबको पत्र भेजा है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने इसकी जानकारी दी है। और जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये भी बड़ी खबर आ रही है कि गया लोकसभा सीट से संतोष मांझी चुनाव लड़ सकते हैं। इसका फैसला भी 18 तारीख को एनडीए कर सकती है। तो बता दें ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जीतन राम मांझी के साथ साथ जमुई के सांसद चिराग पासवान भी 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की महामंथन वाली बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो बता दें कि इसका इंतजार सभी लोगों को था कि आखिर चिराग पासवान की एनडीए में वापसी कब होगी। तो बता दें कि सबके लिए खुशखबरी है, 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की महाबैठक होने वाली है, जिसमें ये तय हो जाएगा कि चिराग पासवान एनडीए के साथ गठबंधन कर रहे हैं और आखिरकार जो चिराग पासवान की शर्तें हैं उसको भी बीजेपी किस हिसाब से देखती है और कैसे उनको मनाती है, ये भी बहुत ही दिलचस्प सवाल रहेगा। तो खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।